सो हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। तो हम लोग जॉन लॉक डिस्कस कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों माना जाता है। व्हाई जॉन लॉक इज़ कॉल्ड एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स दूंगी यहाँ पर, जिससे कि हम ये जस्टिफाई करेंगे कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी पॉलिटिकल थॉट्स हैं जॉन लॉक के, जिसकी वजह से जॉन लॉक को हम फादर ऑफ लिबरलिज्म मानते हैं। तो हम ऐसे ये सारे पॉइंट्स पर आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले लिबरलिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, कि इसके पहले हम ये जानें कि जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है, तो पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज लिबरलिज्म। सो लिबरलिज्म क्या है? इट इज़ अ फिलोसफी ऑफ द बर्जुआइज क्लास बेसिकली। और ये जो आपकी लिबरलिज्म पॉलिटिकल फिलोसफी है, ये कैपिटलिज्म की पॉलिटिकल फिलोसफी है, जो सपोर्ट करती है लिमिटेड स्टेट को या मिनिमल स्टेट को और मैक्सिमम लिबर्टी ऑफ द मैन या इंडिविजुअल। ओके, तो लिमिटेड स्टेट कैसे होगा, किस तरीके से हम लिमिटेशन लगाएंगे स्टेट्स पे? तो राइट्स, हम इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स देंगे और ये राइट्स लिमिट करेंगे द पावर ऑफ द स्टेट को। ओके, तो ये समझ में आया कि लिबरलिज्म क्या है, लिमिटेड स्टेट क्या है। और फर्दर अगर हम चलें कि जो जॉन लॉक है, इसकी थोड़ी सी हम पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझ लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को स्पेशली। तो जो जॉन लॉक है, ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ द नेचर, मतलब जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट नहीं था, तो स्टेट ऑफ नेचर में जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैप्पीली रह रहे थे, पीस के साथ रह रहे थे, गुडविल के साथ में रह रहे थे। ओके, सो मैन वॉज इंजॉइंग लिबर्टी, कैसे? प्रेजेंस ऑफ द नेचुरल लॉ। सो स्टेट ऑफ द नेचर पर ऐसी स्टेज ऑफ द लाइफ या ह्यूमन सिविलाइजेशन जहाँ पर एब्सेंस ऑफ द स्टेट है, उसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर। मतलब यहाँ पर स्टेट या गवर्नमेंट अभी तक नहीं बनाई गई थी, और ऐसी स्थिति में क्या प्रेजेंट होते थे? नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ मतलब जो रीज़न है, जो तर्क की क्षमता है, और जो इंडिविजुअल का बिहेवियर था वो गवर्न होता था इस नेचुरल लॉ के कंसेप्ट से, और जिसके पीछे काम करता था रीज़न। जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें रीज़न होता था, और इस तरीके से इंडिविजुअल ये सोचने समझने में बिल्कुल कैपेबल था कि भाई हाँ, हमें दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाना है, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी को नहीं चुराना है। तो इस तरीके से स्टेट ऑफ द नेचर बिना किसी गवर्नमेंट के हुए, बिना हुए या बिना किसी स्टेट के हुए, एक पीस और गुडविल में रह रहे थे, मैन अपनी लिबर्टी का इंजॉय कर रहा था। तो भाई जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी, सब था, तो स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी? लॉक महोदय ये बताइए कि स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी जब इतनी सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो फिर हम स्टेट क्यों एग्जिस्टेंस में लाए? स्टेट नहीं बनाना चाहिए था हमें। तो लॉक महोदय कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर वर सम सर्टेन इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ द नेचर। कुछ इनकन्वीनियंसेस, जैसे कुछ बाधाएं थी, कुछ एक तरीके से अनसर्टेनिटीज थी स्टेट ऑफ द नेचर में, जिसकी वजह से हमने स्टेट को बनाया, हमने गवर्नमेंट को बनाया। और वो इनकन्वीनियंसेस क्या थी भाई? तो वो थी कि भाई कॉमन अथॉरिटी नहीं थी कोई वहाँ स्टेट ऑफ द नेचर में, जो लॉ को बना सके और लॉ बनाने के बाद उन्हें इम्प्लीमेंट कर सके या एग्जीक्यूट कर सके। और एग्जीक्यूशन में कोई अगर कन्फ्लिक्ट होता है, राइट, कोई स्ट्रगल आता है, कन्फ्लिक्ट आता है, तो उसमें न्याय दे सके लोगों को जस्टिस दे सके। तो इस तरीके से इन इनकन्वीनियंसेस को रिमूव करने के लिए हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ी, हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। और इस तरीके से हमने लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और स्टेट को बनाया, गवर्नमेंट को बनाया। तो ये बेसिक समझ में आया कि स्टेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अब व्हाट आर द रीज़न जो ये स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद बनाया गया था लिबरलिज्म का, कि जॉन लॉक के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद जो स्टेट बनाया गया, उस स्टेट की या गवर्नमेंट की कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक थी या फीचर्स थी, जिसकी वजह से जो जॉन लॉक के को फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ रीजंस हैं हम जो डिस्कस करेंगे, जैसे कि ही गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। जॉन लॉक ने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में नेचुरल राइट्स की थ्योरी दी, और जॉन लॉक कहते हैं कि दीज नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, दीज आर द फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन बींग। स्टेट इन्हें छीन नहीं सकता है इंडिविजुअल से।
और ये नेचुरल राइट्स एक तरीके से लिमिटेशंस रखेंगे स्टेट पर, जो स्टेट की पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, उसको लिमिट करेंगे, और जिसकी वजह से यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड स्टेट का कंसेप्ट दिया। और लिमिटेड स्टेट आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, आपकी लिबरल गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में आप देखेंगे कि किस तरीके से जॉन लॉक कहेंगे कि भाई हमें तीन इम्पॉर्टेंट एरियाज में तीन इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक बॉडीज चाहिए, टू मेक द लॉ, टू एग्जीक्यूट द लॉ एंड टू एजुकेट द लॉ, इन केस ऑफ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस पर वो न्याय दे सके। तो ये तीनों सब्जेक्ट पर काम करने के लिए हमें तीन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो यहाँ पर ये सेपरेशन ऑफ पावर की फाउंडेशन रखते हैं, जिसको फर्दर सिस्टमेटिक मैनर पे डेवलप किया जाता है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इसके तो सेपरेशन ऑफ पावर को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इसके रूट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, जॉन लॉक की थ्योरी पे। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो बेसिक आइडिया जॉन लॉक ने अपने पॉलिटिकल थॉट में दिया था, इसकी वजह से हम जॉन लॉक को कहते हैं कि ही सपोर्टेड द लिमिटेड स्टेट, लिमिटेड गवर्नमेंट या लिबरल गवर्नमेंट, और इसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिबरलिज्म बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू को इन्होंने सपोर्ट किया अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में, दैट इज़ लिबर्टी और लिमिटेड स्टेट का कंसेप्ट। राइट, तो ये समझ में आ गया आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जान लो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, एक लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेड स्टेट या लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। एक तो पहले गवर्नमेंट कंसेंट के द्वारा बने, और हमने देखा था कि जॉन लॉक ने गवर्नमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि जो स्टेट है या गवर्नमेंट है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो ये पॉइंट हमें मिल जाता है जॉन लॉक के कंसेप्ट पे, इसीलिए हम इसे पहली बार ये बात करेंगे लिमिटेड गवर्नमेंट की। दूसरा पॉइंट है रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल्स, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स है और ये जॉन लॉक के उसमें प्रेजेंट है। तीसरा फीचर्स है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को जॉन लॉक के द्वारा अपने पॉलिटिकल थॉट पे प्रमोट किया गया है। ओके, चौथा है पीसफुल चेंज इन द सेट ऑफ पर्सन्स रूलिंग, तो जॉन लॉक ने इसे भी सपोर्ट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसमें। ये कंसेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन जो देते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को सही से फॉलो नहीं कर रही है तो लोग इसे चेंज कर सकते हैं पीसफुल रिवॉल्यूशन के द्वारा। फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, हमने इसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है जिस किस तरीके से जॉन लॉक ने सेपरेशन ऑफ पावर की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, जिसे फर्दर डेवलप किया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। सिक्स प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन, जो लिमिटेड गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है और जिसके बारे में बात की है जॉन लॉक ने। प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन में जॉन लॉक कहते हैं कि कभी स्टेट को फोर्स नहीं करना चाहिए इंडिविजुअल्स को कि भाई आप ये धर्म को एक्सेप्ट करें या रिलीजन को एक्सेप्ट करें। इंडिविजुअल्स के पास लिबर्टी है कि वो किस फेथ पे बिलीव करता है, किस फेथ को वो एक्सेप्ट करता है और उसे प्रैक्टिस कर रहा है। तो फेथ इन डिफरेंट रिलीजन्स के जो पीपल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं जॉन लॉक। ओके, तो एक तरीके से इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन जो दिया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो जॉन लॉक है ही इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म। इस पॉइंट को हमने जस्टिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दीज वेरियस पॉइंट्स। तो अगर अभी फादर ऑफ लिबरलिज्म में लिखने को आ जाता है आंसर, तो आप लिख लेंगे ना कि इस पे क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, यहाँ से सारे पॉइंट्स को एक एक करके लिख के जस्टिफाई कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है। ओके, और इनकी कुछ बुक्स को टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट मेंशन कर देना, और लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड कर देना कि भाई हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन से दैट कि हाँ, जो जॉन लॉक है ही इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट हु टॉक्ड अबाउट द लिमिटेड गवर्नमेंट। ओके, और लिमिटेड कैसे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट रख दिया, टॉलरेशन का कंसेप्ट रख दिया, पावर सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट रख दिया, यहाँ पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर दी, रिवॉल्यूशन की बात कर दी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात कर दी, जो गवर्नमेंट थ्रू कंसेंट की बात कर दी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये सभी पॉइंट्स ये बताते हैं कि जो जॉन लॉक है इन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और लिमिटेड गवर्नमेंट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द लिबरलिज्म। ओके, सो इस तरीके से हमने आज इसको जस्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन पे बात करूंगी,
अगले वीडियो पे कि लॉक को स्कॉलर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म क्यों बोला जाता है, राइट। तो हम इस जो स्वामित्व व्यक्तिवाद है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब मई चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।